खबर आगरा से, मिलावटी सोने से लोन लेने वाले गैंग का हुआ भंडाफोड़। सरगना समेत चार सदस्य हुए गिरफ्तार, दो की तलाश जारी। कई गोल्ड कंपनियों को लगा चुके हैं चूना। मुथूट फिनकॉर्प की ऑडिट टीम की जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। बैंक मैनेजर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। गैंग की जड़ तक पहुंचेगी पुलिस, डीसीपी सिटी ने कहा। एसओजी सर्विलांस और थाना कमला नगर पुलिस की कार्रवाई जारी। थाना कमला नगर पुलिस ने और एसओजी टीम ने मिलकर एक फर्जी गोल्ड लोन लेने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। ये लोग जो कंपनियां गोल्ड रख कर लोन देती है, वहां पे मिलावटी गोल्ड, जिनकी प्योरिटी काफ़ी कम होती है और कागज़ों में ज़्यादा दर्शाकर गोल्ड लोन उठा लिया करते हैं और उसको डिफॉल्ट कर देते हैं, जिससे ऐसी बैंकिंग संस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इसी तरह का एक मामला मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, जो कि कमला नगर में है, वहाँ प्रकाश में आया था। उनके बैंक मैनेजर के द्वारा दिए गए तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। उसके बाद जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, उन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग अभी फरार चल रहे हैं, पुलिस उनकी तफ्तीश कर रही है। जो चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम है लाला लालवानी, पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण दास, ये कमला नगर का रहने वाला है। दूसरा अरविंद चौधरी, पुत्र स्वर्गीय श्री चरण सिंह, ये जगदीशपुरा का रहने वाला है। राजकुमार छुड़ेजा उर्फ राजू, पुत्र नंद किशोर, ये कमला नगर का रहने वाला है। वीरेंद्र गिडवानी उर्फ बीरू, ये सागंज का रहने वाला है। इन चारों को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। इन्होंने मुथूट फिनकॉर्प कंपनी में एक ऐसा गोल्ड का आइटम रखा जिसकी प्योरिटी जांचना उतना आसान नहीं था, और जब कंपनी की ऑडिट टीम आई तो ऑडिट टीम को यह मालूम चला कि जितने प्योरिटी पर लोन दिया गया है, उससे काफ़ी कम प्योरिटी उस गोल्ड की है। इस पर यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और अभी तक हमारे विवेचना में, जांच के संबंध में और इनके द्वारा बताए गए तथ्य के आधार पे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सिंडिकेट है, ये गैंग की तरह काम कर रहा है, जो कि एक इसी कंपनी में भी और कई लोन ऐसे लिया है और साथ में दूसरी गोल्ड लोन देने वाले कंपनियों में भी कई ऐसे लोन लिए हैं। और हम लोग पूरे के पूरे इस गैंग का भंडाफोड़ करेंगे और जहाँ जहाँ लोन लिए हैं उन सबको भी उजागर करेंगे, आप सभी को अवगत कराया जाएगा। इनके और भी साथी हो सकते हैं? अभी हमारे सूचना के मुताबिक दो इनके और साथी हैं जो फरार चल रहे हैं, और पूछताछ में कोई नया तथ्य सामने आएगा तो मुमकिन है कि दो से अधिक भी लोग इसमें शामिल हों। इनके पास बरामद क्या क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जो इनके पास अभी की बरामदगी है, इसमें लोन के पेपर हैं, मोबाइल है और 2100 रुपये हैं। और इनका मेन जो काम है वो फर्जीवाड़ा ये कर चुके हैं और बैंक से फर्जी गोल्ड रख कर, कम प्योरिटी गोल्ड रख कर लोन ले चुके हैं।